एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट अक्सर यह सवाल करते हैं कि उस विषय का सिलेबस बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम, तो कैसे तैयारी करें? या एग्जाम शुरू होने वाला है और समय बहुत कम बचा, तो कैसे तैयारी करें? आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीके जानेंगे जिनके द्वारा आप किसी भी परीक्षा का विशाल सिलेबस आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट काउंट हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट, देन मेक ए सॉलिड प्लान। एग्जाम का लेटेस्ट सिलेबस अगर आपके पास है तो सबसे पहले गिने कि एग्जाम शुरू होने में कितने दिन बाकी हैं। इसके बाद हिसाब लगाएं कि आप बचे हुए दिनों में कितने घंटे पढ़ाई को दे सकते हैं। यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट एग्जाम शुरू होने से पहले कितने दिन बचे हैं ये तो गिनते हैं, पर यह नहीं गिनते कि इन बचे हुए दिनों में वह कितना समय पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। इसलिए एग्जाम शुरू होने में कितने दिन बचे हैं इसका हिसाब करें। पूरे सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़े, फिर एक अनुमान लगाएं कि उन छोटे छोटे हिस्सों को कवर करने में कितना समय लगेंगे। जो चैप्टर आसान हो उन्हें पहले कवर करें। इस प्रकार पूरे सिलेबस के लिए एक ठोस योजना और उस पर सख्ती से अमल करें। पॉइंट नंबर 2, कवर द टॉपिक्स विच आर इजी फर्स्ट। अगर सिलेबस बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम, तो पहले वो टॉपिक कवर करने चाहिए जिन्हें तैयार करना आसान हो। कठिन टॉपिक को अगर आप ज्यादा समय देंगे तो आखिर में आपके ऊपर एक मानसिक दबाव बनेगा कि इतना कम समय बचा है और अभी तक आपको बहुत कुछ तैयार करना है। अगर आप आसान टॉपिक पहले तैयार करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए जब एग्जाम शुरू होने में कम समय बचाओ तो सबसे पहले आसान पार्ट को तैयार करें। नंबर 3, वैल्यू एवरी मिनट। जब कम समय में ज्यादा तैयारी करनी हो तो समय का खास ध्यान रखना चाहिए। जिस टॉपिक के लिए आपने जितना समय तय किया है उतने समय में वो टॉपिक जरूर तैयार हो जाए। अक्सर यह देखा गया कि स्टूडेंट स्टडी प्लान तो बहुत अच्छा बनाते हैं पर किसी न किसी वजह से उसे फॉलो नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि टेलीविजन में अच्छी मूवी आ रही होती है और उनका समय उसमें चला जाता है और इसके बाद फिर वो अपना नया स्टडी प्लान बनाते हैं। इस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए आप अलार्म सेट करके रख सकते हैं जिससे आपको यह अंदाजा लगता रहे कि आप तय समय में अपना पूरा काम कर पा रहे हैं या नहीं। पॉइंट नंबर 4, कीप फुल फोकस ऑन योर वर्क, डू नॉट लूज योर अटेंशन व्हाइल स्टडिंग। जब भी आप पढ़ाई करें तो अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखें। सोशल साइट्स और इंटरनेट वगैरह जितना कम हो सके इस्तेमाल करें। बार बार स्टेटस और अपडेट्स वगैरह चेक करने में धीरे धीरे कितना समय निकल जाता है पता भी नहीं चलता। इसलिए पढ़ाई के दौरान मोबाइल और लैपटॉप से दूरी बनाकर रखें। सबसे बेहतर यह है कि अलार्म या स्टॉपवॉच में टाइम सेट करके पढ़ाई करें जिससे आपका एक भी मिनट बर्बाद न हो। पॉइंट नंबर 5, प्रैक्टिस रिपीटेडली विद सैंपल पेपर्स एंड ओल्ड ईयर पेपर्स। सिलेबस तैयार करते समय आपको सैंपल पेपर्स और पुराने साल के पेपर से बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। सैंपल पेपर्स और पुराने पेपर्स लगाने से आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में तो पता चलेगा ही और इसके साथ साथ एग्जाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक सैंपल पेपर या पुराना पेपर लगाने से आप लगभग पूरे सिलेबस के टच में आ जाते हैं। CBSE और UP बोर्ड जैसे एग्जाम में तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगर कोई इनके 5 से 10 पुराने साल के पेपर से अच्छी तरह प्रैक्टिस करें तो 50% सिलेबस तो वैसे ही आसानी से कवर हो जाता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी परीक्षा के विशाल सिलेबस को कैसे कवर किया जा सकता है। इन तरीकों को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बड़े से बड़े एग्जाम का सिलेबस आसानी से कवर हो जाएगा। जब सिलेबस बहुत ज्यादा हो तो सैंपल पेपर्स और पुराने साल के पेपर से प्रैक्टिस करना बड़े सिलेबस को कवर करने का एक शॉर्टकट है।